सुषमा दीदी को 11 दिन का उपवास मिला था। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रचारिका कमली दी उनको पानी दे रही है ताकि उनका उपवास टूट सके। दीदी अभी अच्छा देगी रेशमा दी को। पत्तल पत्ते इस तरह हम लोग देखे कि रेशमा दी का उपवास राष्ट्रीय प्रचार का प्रचार का कमली दी उनको पानी दी और अरवा चावल दी जिससे उसका उपवास टूटा। वो दे दी 11 दिन का उसको उपवास मिला था। रेशमा जब भी हम कुछ पूछेंगे बताइएगा कितना दिन का उपवास है कैसे कैसे। अभी रेशमा दी खिचड़ी वाला भात दे रही है तीन को पते है उसमें दे रही वो पते किस्मत दी अभी बताइए जोहर की जो किस्मत दी बताइए आपको कितना दिन का उपवास मिला। 11 दिन का उपवास मिला था जी। बृहस्पतिवार को हम काम करने गए थे बगल में ही जी, तो वहाँ से आए कुछ हम जाके सरना में ही पूजा कर रहे थे वहाँ से आए और हम सरना गए तो वहाँ पूजा करने गए फिर वहाँ से आए वहाँ हमको सवारी थी वहाँ से हम घर आए तो फिर घर जाना माना का स्थान ली और फिर पूजा वहाँ सब हो गया। उसके बाद फिर शाम को हम अपना खाना पीना बनाए खाएंगे तो खाने ही नहीं बोल रही है चाला जी बोल रही है कि नहीं तुम मत खाओ। तो हम बिरसा दादा हमको फोन किए बिरसा दादा को बताएं कि दादा ऐसे ऐसे बात है तो खाना उन्हें तो बनाया लेकिन हमको तो खाने ही नहीं दे रही है माँ। तो दादा बोले कि तुम ऐसा करो ना पूजा उजा करो और उसको भी चाहे खाने के लिए नहीं दे रही है बोल। तो हम रात को दादा का बात नहीं माने और रात को पूजा नहीं जी नहीं किए। फिर सुबह हम बोले कि हम ऐसे कैसे मान लेंगे हमको उपवास दे रहे हैं माँ। तो हम बोले कि हम ऐसे नहीं मानेंगे हमको सबको सबके सामने हमको देंगे माँ तो तभी हम मानेंगे बोले। तो सुबह हमको काम करने जाना था 6 बजे तो सुबह उठे 6 बजे पहले 4 बजे उठे खाना नाश्ता बनाएंगे और जाएंगे काम। तो पता नहीं अपने अपने
जो माँ करवा रही हो कर रहे हैं, देखिए ईटा उटा उसे मिल रहा है जी, माँ ही लाने बोले आपको ये बोले हम अपने मन से जो माँ बोल रही हूँ करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम घर सफाई करने लगे, मेरा काम का टाइम खत्म हो गया तो हम घर सफाई करने लगे। घर सफाई करते करते फिर मेरी एक गोतनी थी बुआई कुछ काम से बुआई, तो हम उसको बैठने भी नहीं बोल रहे हैं, धीरे से खाली बोले बैठो बोल के। उसके बाद फिर मेरा वही समय घर नहीं आ गया, घर नहीं आया तो फिर उसको बुलाने लगे बेटा को लेकर जी, मतलब आप अपने से उसको बुला रहे हैं। फिर बोली कि हम काम करने के लिए निकले हैं तो हम आज नहीं आ पाएंगे, तो माँ बोली उसको जवाब दी कि ये बेटी भी काम करने जाती है लेकिन ये बेटी को आज काम करने नहीं जाने दी, नहीं जाने नहीं गई, तो आप क्या आपका बेटा नहीं रहेगा तो आप काम करके क्या करिएगा, पैसा को अकेले खाइएगा। दीदी मेरी गोतनी मंजिल थी वो मान गई काम करने नहीं गई। तो हम एक इधर वाला रूम को धोएं फिर किचन रूम बचा ही हुई था, तो हम सोचे कि अब शीला दी को फोन करते हैं जी, मतलब मैं हमको सब माँ ही करवा रही थी। तो हम जैसे ही फोन सुने गए वैसे शीला दी का फोन आई, तो शीला दी का फोन रिसीव किए, वैसे हम इससे बात करने लगे बेटी तो नहीं आएगी माँ का घर साफ नहीं करेगी, मतलब हम बात नहीं कर रहे थे माँ बात कर मोबाइल में भी माँ। इसको हम बोले सबको लेके आप आ जाइए मेरे घर पर, ये दीदी बोली कि शीला दीदी ये है ना जोहर दीदी। तो फिर ये दीदी फिर ये आई, ये बोली आधे घंटे बाद आते हैं, फिर मेरी गोदनी जो है ना मेरी गोदनी अपना बेटा को लेके आ ही रही थी तो माँ हमको जो स्थान दी है अंदर में वहाँ हमको बैठने के लिए बोली, तो हम वहाँ बैठ गए तो फिर वहाँ झाड़ने उठने के लिए, मतलब जो मेरी गोदनी का बेटा है उसको झाड़ने उठने लगे, वही में वो जो सेंचुरिया मौसी है उसका फोन आया, तो फिर उसको भी हम बुलाने लगे कि बेटी तुम नहीं आएगी कब आएगी, माँ को अकेले छोड़ देगी ऐसे बोल। तो सब दीदी लोग को वो लेते हुए यहाँ आए, सब दीदी लोग यहाँ उपस्थित हुए, उसके बाद ही हमको उपवास मिला जी दीदी। आप उपवास में क्या खाए क्या नहीं खाए? उपवास में तो हमको माँ एक चना का उपवास दे रही थी, लेकिन दीदी लोग सब बैठी हुई थी ना, वो लोग नहीं मानी, छोटा छोटा बच्चा है सब काम इसको अकेले करना पड़ेगा और फिर घर में कोई नहीं है तो एक चना में हम लोग मंजूर नहीं है बोल के चना माँ से लड़ने लगी। उसके बाद फिर नहीं करते करते हम भी नहीं मान रहे थे, माँ भी नहीं मान रही थी कि नहीं एक ही चना में रहेगा, लेकिन दीदी लोग बोली कि नहीं खीर खाएंगे बोल, तो फिर चलो माँ बोली कि नहीं खीर नहीं खाना, सादा पानी पी सकते हैं और सादा वही आरवा चावल का वही तीन दाना खा सकते हैं, तीन दिन अरवा चावल और वही दीदी लोग अपना हाथ से तीन बार पानी पिलाती थी, जैसे चला माँ को पिलाते थे तीन बार पानी, 11 दिन आप तीन दिन अरवा चावल और बस पीने से बिल्कुल गिला एक गिला अपनी मर्जी से। दीदी तो आपका मन में कैसा अनुभव लग रहा है? मेरा मन में बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है, पहले से ही चाला माँ का शरण में है, पहले भी जब नहीं जान रहे थे तो नहीं जान रहे थे लेकिन अब जान गए। तो दीदी तो अभी आपका मन में लग रहा होगा अपने गांव वालों को हम सबों को जागृत करेंगे ऐसा मन में तो अनुभव लग रहा होगा? पहले से ही कर रहे हैं जी, पहले से शुरू से ही हम तो प्रत्येक आंगन में हम लोग का ये सरना झंडा होना चाहिए बोल के आप मन में पहले से भी हम सोच रहे थे, विश्वादा हम बोल भी रहे थे कि दादा हमको झंडा गाड़ना है, लेकिन जब तक माँ इजाजत नहीं देगी तब तक हम नहीं झंडा गाड़े जी, हो सके इसीलिए माँ बोली कि चलते इसमें का मतलब प्रत्येक दीदी सबको अभी घर में ये झंडा नहीं होगा ना? नहीं होगा, अभी नया नया हुआ है तो अब आप लोग तो सोच ही लिए होंगे। हम लोग स्टार्ट किए हैं तो हमको लगता है स्टार्ट जो पहले से घर उधर कर रहे हैं उसके घर में होगा, लेकिन हम लोग जब यहाँ अपना गांव स्टार्ट किए हैं तब से फर्स्ट झंडा लगा जी दीदी, कोशिश रहेगा सबके घर में। आपको तब पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी मम्मी जी क्या बताएं, जब शुरू शुरू हम लोग सरना स्टार्टिंग मतलब पूजा स्टार्टिंग करने मेरा हस्बैंड मारती हूँ ऐसे करती हूँ तब तो लगा कि हमको नहीं बचेंगे, इतना मारा था ना पूरा माथा में ही मारा, लेकिन हमको शायद चला माँ बोली कि ना बेटी नहीं, माँ का ही आशीर्वाद है कि अभी जानते हैं दी अभी पीछे नहीं घूमे ना, तो उसका रीजन हम बात चल गए थे अभी तीन दिन पहले बच्चा लोग को छोड़ वहाँ से, मेरी बेटी एक दिन बात नहीं जी सुन रही थी, आवाज़ भाग रही थी नहीं बात करेंगे बोलती, तब फिर वहाँ
वहाँ से खाली एक फोन किए वहीं से हम काम पता कर दिए। एक मेरे दोस्त है उसी का हस्बैंड बाहर जाते थे, एक फोन किए हस्बैंड मान गया और अभी बाहर और अभी जैसा बोलते हैं वैसा सुनते हैं तो हम विश्वास नहीं करेंगे। दीदी तो आपके मन में कैसे आया कि हम मुड़मा की दीदी सबको अपना उपवास तोड़ने के लिए यहाँ बुलाएंगे? हमको तो माँ ही इजाजत दी। जी माँ ही, तो माँ ही बोली कि तुम धर्म दादा धर्म दीदी लोग को। जी यहाँ मुड़मा की दीदी सब आए, हमारे राष्ट्रीय प्राचार्य का कमले दी भी बैठे हैं, हम लोग सब भी आए हैं यहाँ पर। ये पतरातू का किन्नी गाँव में है, किन्नी गाँव में, और ये दीदी है रेशमा दी। हाँ रेशमा दी को 11 दिन का उपवास मिला था, वो बस 3 दिन अरवा चावल खा के रहे और दीदी लोग पानी देती थी 3 टिप्पा दी, 3 टिप्पा बस और चना। जी दीदी और आपके बच्चे लोग कितने हैं? 3 बच्चे है। तो वही तो बोले कि जब चला माँ मेरे जिंदगी में आया ना तब से सब अच्छा ही हो रहा है और अच्छा यहाँ पी के सुबह होते थे बात ही नहीं सुनना है कुछ बोलो तो मार दिया मार दिया, लेकिन अभी जब तक जब हम गए सरना सरना वो भी ठीक है, अभी अच्छे से बात करते हैं। अभी हम लोग शीला दी से पूछते हैं, चलिए शीला दी आप भी बताइए आपको कैसा अनुभव हुआ। जय हिंद जय हिंद। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा दीदी, जब से हम लोग सरना पूजा कर रहे हैं जी तब से हम लोग को बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत संतुष्टि मिलता है हम लोग को जी। और रेशमा दीदी को जब से उपवास मिला है उस दिन से हम लोग डेली यहाँ आते हैं और विनती प्रार्थना सब करते हैं, भजन करते हैं और रेशमा दीदी को आके हम लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं, विनती कर लेते हैं, उसके बाद में दीदी को रेशमा दीदी को हम लोग जल देते हैं, जल पानी पिलाते पिलाते हैं बस वही। और हम लोग फिर भी विनती प्रार्थना करके सब करके हम लोग जाते थे घर, अपना अपना घर से जाते थे। जय जी। हम लोग दीदी सबसे सुने कि दीदी सबको कैसे उपवास मिला और हमारा जो सरना समाज में कैसे हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, दीदी को 9 दिन का 11 दिन का उपवास मिला था उसमें कैसे दीदी बिना भात खाए हुए रही, बिना ज़्यादा पानी पी के भी नहीं रहती थी बताइए। इसीलिए हमें अपना सरना समाज में विश्वास करना है, हमारे चालामा और धर्मेश के ऊपर विश्वास करना है और मतलब प्रत्येक परिवार में हमें सरना झंडा बहुत ही ज़रूरी है गाड़ना और पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी यहाँ मुड़मा से आए हैं, यहाँ किन्नी पतरातू से इधर किन्नी गाँव में आए हो गया।